और बताएं मुझे सुन कौन कौन रहे हैं। धन्यवाद। कन्हैया जी ने बरबरीक को एक पेड़ दिखाया और कहा, बरबरीक अपने एक तीर से इस पेड़ के सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। बरबरीक जी ने बात मान ली, आंखें बंद करके जैसे ही अपने इष्ट का ध्यान लगाया, कन्हैया जी ने अपनी चतुराई चल दी, चुपके से पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब जैसे ही बरबरीक जी ने बाण चलाया, सुनिए क्या हुआ। जब कन्हैया जी ने पैर हटाकर देखा तो पैर के नीचे का पत्ता भी छिदा हुआ मिला। बोलिए खाटू नरेश की जय। कन्हैया जी समझ गए कि बरबरीक कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। सुनिए क्या हुआ। पत्ते छेद दिखाए कान्हा के मन भाए, पत्ते छेद दिखाए कान्हा के मन भाए, खेल बिगाड़ेगा ये सारा कैसा है मतवाला खाटू वाला खाटू वाला। कन्हैया जी ने परीक्षा ले ली और अब निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए बरबरीक को युद्ध करने नहीं जाने दूंगा। रोकने के लिए क्या किया, भेष बदल गए या चक बन गए कृष्ण मुरारी आए, भेष बदल कर या चक बन गए कृष्ण मुरारी आए। कन्हैया जी ने एक ब्राह्मण भिक्षुक का रूप बना लिया और बरबरीक जी के पास आ गए दान मांगने के लिए। कौन सा दान मांग लिया, शीश दान ले करके अपना असली रूप दिखाए, शीश दान ले करके अपना असली रूप दिखाए। कन्हैया जी ने बरबरीक से अपना शीश का दान मांग लिया और बरबरीक जी ने अपना शीश काट कर कन्हैया जी को समर्पित कर दिया। कन्हैया जी ने वो दान लेकर बरबरीक को एक वरदान दिया कि बरबरीक तुम्हारा ये दान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनिए क्या हुआ। असली रूप दिखाए कोमल वचन सुनाए, असली रूप दिखाए कोमल वचन होगी लेकिन बरबरीक के नाम से नहीं बल्कि श्याम के नाम से। अब जरा बता दीजिए कि कितने भक्तों को समझ आया कि बाबा श्याम कौन है और उनका अवतार कैसे हुआ है। दोनों हाथ एकदम सीधे खोल के और दोनों हाथों की ताली बजा के सभी ताली। जय सच्चे दरबार की जय।
सबसे पहले ये बताइए मुझे जी। हाँ जी हाँ जी जरूर। आइए एक होली की धमाल रखते हैं बाबा के चरणों में, क्योंकि होली आ रही है। अपने अपने घर में तो सब खेलते होंगे होली, आप नहीं खेलते? कोई नहीं, एक तो अपवाद भी होते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, सही है। सभी खेलेंगे तो कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए, आप देखते होंगे। आप सब अपने अपने घरों में होली खेलते हैं, अब जरा ये बताइए बाबा के साथ होली कौन कौन खेलेगा आज? क्या बात है, आपके हाथ इतनी लेट क्यों खड़े होते हैं, इनके पीछे क्यों चलती हैं कि इन्होंने उठा लिए तब उठाएंगे? ये बात बोली खाटू नरेश की जय। अब आइए, क्योंकि देखिए धमाल सुनने की नहीं, धमाल मचाने की चीज होती है, और धमाल जब गाएं तो धमाल मचनी भी चाहिए शाम भक्तों की। आइए होली खेलते हैं मिलकर बाबा के साथ, और जिन भक्तों का हाजिरी लगाने का मन करे, जरूरी नहीं है कि सारे यहीं पर आ सके, जो जिनका मन करे वो अपनी जगह खड़े होकर नाच सकते हैं। और वो जो बाबूजी थे अभी, अब खूब नाच लेना भैया, अब खूब नाचना, आइए। हाँ हाँ सुनिए, हेलो मैंने, हाँ धमाल। Yeah.
राधे रानी, ये आगे वाली मुछो वाली, हाँ, और ये है साथ में कन्हैया। अब राधे रानी कन्हैया को बुला रही है कि बंसी बाजेगी।